नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट्स चाइना में। आज चाइना में बाज़ार थोड़ा सा तेज़ है। वहाँ पर मीडियम और छोटे मालों में थोड़ी हल्की तेज़ी देखी गई है। आज जो 3 युआन चल रहा था नीचे में, वो 3.10 युआन तक पहुँचा है भाव उसका। आज 10 सेंट की तेज़ी आई है, पर केटी है उसका, यूनिट है उसकी 3.10 युआन पर केटी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वहाँ के चाइना में वायदा चलता है लहसुन का, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और अभी मैं आपको ऐसे ही मौखिक भाव बता रहा हूँ, और उसको स्लाइड के रूप में थोड़ा सा मैं आपको बाद में उसमें वीडियो में भी डालूंगा। अभी मैं थोड़ा उसके बारे में सीख लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग के बारे में। और जो आज का जो 8वें महीने का जो भाव है चाइना का वायदा का, वो 9,137, वहाँ की जो जो भी करेंसी युआन में है, यूनिट में है, वो कितने लाख, कितने साइज का लॉट है, क्या है, वो वहाँ की बात है। पर अपन अपन आंकड़े में देखें तो 9,137 के आसपास चल रहा है 8वें महीने का। और ऐसा ही वहाँ पे अप्रैल महीने का वायदा भी चलता है। उसका भाव भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल 2024 के वायदे का भाव है करीब 10,300 के आसपास का भाव है, जो कि थोड़ा सा अभी जो हाजिर का जो है 8वें महीने का भाव, उससे तेज है। और जब अप्रैल में जब ये वायदा खुला था 2024 वाला, अप्रैल 2024 वाला जब तेजी आई थी अपने यहाँ भी, ये 5,000 के भाव से सीधा 8,000 के भाव के आसपास खुला था, 7 और 8 अप्रैल की। जब मैं वो कल के वीडियो में आपको बता रहा था, तो उस समय के बाद अप्रैल से यहाँ से तेज़ी चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा ये भाव घटा हुआ है इसका, वायदा का भी, तो ये अभी 10,300 के आसपास है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको शेयर करूँगा धीरे धीरे स्लाइड को, इसको वीडियो में एडिट करके मैं बताऊँगा। और मैं जो आपको ये जो भाव बताता हूँ, ये वहाँ के चाइना में एक शेंडोंग प्रोविंस है, पूरा स्टेट है जिसको शेंडोंग स्टेट बोल सकते हैं अपन, प्रोविंस बोलते हैं वहाँ पे जिंगजियांग काउंटी करके शहर है, और वो उसको चाइना की गार्लिक की राजधानी बोला जाता है, जिंगजियांग। मैं आपको वहीं के भाव अपडेट करता हूँ ये। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार और बता दूँ आपको, वो चाइना में आज के भाव में मीडियम और छोटे मालों में थोड़ी सी लेवाली अच्छी है, आवकें सामान्य है वहाँ पे। और कल दोपहर बाद भी बाजार वहाँ पे बढ़ गया था थोड़ा सा, और वहाँ पे 2 बार का भाव अपडेट होता है। मैं आपको धीरे धीरे, जैसे मेरे को समय मिलेगा, दोपहर बाद वाला भी मैं आपको अपडेट दूंगा। धन्यवाद।